भय जो दुनिया में फैला हुआ है यह बहुत दुखदाई है, क्योंकि सारे दुखों का कारण ही भय है। भय की भी परसेंटेज होती है, जितना अधिक मोह जितनी ज्यादा इच्छा उतना अधिक भय होता है। जिस आत्मा पर जितना अधिक विकर्मों का बोझ है उतना ज्यादा उसे भय लगता है। भय ही सभी बीमारियों की जड़ है। अगर आत्मा में फिक्र है, भारीपन है या भय है तो यह अशुद्धि है। अगर आत्मा बेफिक्र है तो यह शुद्धि है। बेफिक्री में सब आ जाता है। जब आत्मा निडर होगी तभी बेफिक्र होगी, और जब आत्मा बेफिक्र होगी तो शुद्ध संकल्पों की जो पावर है वह अपने कार्य में यूज हो पाती है। विकारी आत्मा कभी भी बेफिक्र नहीं हो सकती, निर्विकारी आत्मा ही बेफिक्र हो सकती है। क्योंकि अगर फिक्र है, भय है, भारीपन है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संशय है। भय भूत के समान है जो परछाई बन हमारे साथ ही चलता रहता है, और हमारे मन का सुख चैन शांति सब दूर कर हमारे जीवन को दुखदाई बना देता है। अतः परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास और समर्पण ही हमें भय मुक्त निडर बना सकता है। कहा जाता है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा है, एक दर है जो हमेशा खुला रहता है, जिस दर से कोई खाली नहीं जाता। जो हर बिगड़ी को बनाता है हम सबका रक्षक है, और उनसे जुड़ने की पहली सीढ़ी है आध्यात्मिकता, जो कि हमें अपनी खुद की और खुदा की पहचान कराता है। आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी क्या है? घर गृहस्थ में रहते भी आध्यात्म के रास्ते पर चलना कैसे संभव है? जानने और समझने के लिए देखते रहिए सिर्फ आपका पीस ऑफ माइंड, आपके बेहतर कल के लिए। अब आप बच्चों को इस देह के संबंध और साथ में मैं पुरुष हूँ, मैं नारी हूँ, मैं उम्र में छोटा बच्चा हूँ, यह सब भूल जाना चाहिए। सभी स्वयं को आत्मा समझ विश्व की आधार मूर्त आत्माएं समझें। धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। आ, 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 आ,
जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। क्या हम शरीर हैं जिसमें आत्मा है, या फिर हम ही वो अविनाशी शक्ति आत्मा है जो शरीर की मालिक है? आत्मा कौन है, कैसी दिखती है, कहाँ रहती है, कहाँ से आती है? ऐसे कई सवाल आपके मानस पटल को भी जरूर छूते होंगे। तो अब अपने हर सवाल का जानने के लिए जवाब, बने रहिए हमारे साथ पीस ऑफ माइंड चैनल पर। परमात्मा बाप की समझाने के महत्व को समझो। कागज के टुकड़ों के लिए, ईंटों के मकानों के लिए, या अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के कारण अपने समय को व्यर्थ मत करो। यह भाग्य बनाने का समय फिर कभी नहीं आएगा। समाज की धर्मनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। जरा सोचिए, क्या समय हमसे कुछ कहना चाहता है? क्योंकि यूं ही तो सारी दुनिया नहीं ठहरती। समय की सत्य पहचान प्राप्त करने के लिए, समय की पुकार को सुनने और समझने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल पीस ऑफ माइंड। अब इस तमो प्रधान दुनिया की किसी भी चीज में कोई सार नहीं रहा है। ना ही कहीं खुशी है और ना ही कहीं दुख। बस आप तो इन सबसे न्यारे हो। स्वयं के संकल्पों पर अटेंशन रख विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करो। पाना था जो पा लिया, कुछ भी
इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारे साथ हमेशा रहे, और जो हमारे पास है वो ये संसार चाहकर भी हमसे छीन नहीं सकता। शांति, ज्ञान, खुशी, प्रेम, आनंद, ये गुण हम आत्माओं के पास सदा हैं ही। अपनी इनर पावर्स और इनर वैल्यूज को जानने और समझने के लिए देखते रहिए हमारे साथ आपका अपना पीस ऑफ माइंड चैनल। किसी भी आत्मा से कंप्लेंट होना अर्थात अपना हिसाब किताब लंबा करना।
कर्म की गति बलवान कर ले कर्म की तू पहचान हे मानव कर ले तू पहचान। ये दुनिया कर्मों का खेत है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं, मतलब जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। कर्म के ज्ञान को सही तरह समझने के लिए अपने जीवन की यात्रा को सुखद और आनंद से भरपूर करने के लिए समझें जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को सिर्फ आपके चैनल पीस ऑफ माइंड पर।